भैया जिंदाबाद 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 राजा भैया जिंदाबाद 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 मनोज राम जिंदाबाद 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 कुनौली का जनता जिंदाबाद। 2005 के पहले कोई जाना नहीं, पहले व्यवसायी अपना व्यवसाय बंद करके दूसरे राज्यों में जगह ले उड़ लिया है और भगवा के नाम पे वोट मांगा। ये लोकतंत्र है, लड़ने का सबका अधिकार है। राजद का यहाँ से खाता नहीं खुला था, इस बार भी बिहार में उनका खाता नहीं खुला। खास तौर से सिवान 2005 के पहले कोई जाना नहीं चाहता, यहाँ की पूंजी पलायन कर रही थी, बड़े बड़े व्यवसायी अपना व्यवसाय बंद करके दूसरे राज्यों में जगह ले रहे। और सिर्फ सिवान की स्थिति नहीं थी, कमोबेश पूरे बिहार की हालात यही थी। बिहार में कोई पूंजी तो आने के लिए तैयार ही नहीं थी, बल्कि यहाँ से पूंजी जा रही थी। जन समारोह का दौर चल रहा था और हाई कोर्ट को भी कहना पड़ा कि बिहार में जंगल का राज चलता है, जंगल राज। ये किसी राजनीतिक दल ने नहीं कहा, किसी भाजपा के नेता का स्टेटमेंट नहीं था, किसी विपक्ष उस समय की विपक्ष के नेता का आवाज नहीं था, हाई कोर्ट की टिप्पणी थी। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि ये जो लोकसभा का चुनाव है, आपकी प्रतिनिधि विजय लक्ष्मी देवी जी जीतेंगे, मोदी जी के साथ जाएगी नहीं, लेकिन 2005 के पहले का जो परचाप जो सुनाई पड़ रहा है सिवान में, ये भी रुक जाएगा। और जो लंबे समय से सिवान का जो दक्षिणी इलाका और पूर्वी इलाका नाग कुमटे के घरों में फंसा हुआ है, शायद उसके भी ताबूत में अंतिम कील साबित हो गए चुनाव। इस लिहाज में आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आइए सब लोग मिल करके, एनडीए प्रत्याशी वो हमारी पत्नी जरूर हैं, लेकिन आप सबकी प्रत्याशी भी है। आज उनका दौरा जीरादेई विधानसभा के सबसे दक्षिणी इलाके में हो रहा है, अभी वो भैंसाखाल की तरफ नहीं है, उनकी यात्रा आसिम को सकरा से शुरू हुई थी। कई टीम बना हुआ है, समाज के हर तबके के लोग अपने अपने टीम के नेतृत्व में जा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि बड़ी खुशी की बात हो रही है आज के दौर में, जब माननीय कविता जी चुनाव लड़ रही थी तो आप लोग देखिएगा, सब लोग यही कयास लगा रहे थे दरौली से कविता जी नहीं जीतेंगे, जीरादेई से कविता जी नहीं जीतेंगे, मेरे बारे में भी कहा जा रहा था शायद रमेश कुशवाहा मन से काम नहीं करेंगे, लेकिन सब कयासबाजी खत्म हो गई। हमारे यहाँ से जीरादेई से कविता जी 22,000 से जीती और यहाँ से 27,000 से जीती, सब रिकॉर्ड दोस्तों। मैं आप लोगों के विश्वास करना चाहता हूँ, इस बार भी सिवान के सभी विधानसभा क्षेत्रों से एनडीए की प्रत्याशी जीतेगी। किस तरह का जनसभा चल रहा है? एनडीए पूरा एकजुट है और सिवान में विजय लक्ष्मी जी सांसद प्रत्याशी है, बहुत ज़्यादा मतों से चुनाव जीतेगी। आप देख रहे हैं जो सैलाब चल रहा है आपके सामने है, तो इसमें कहीं दो मत नहीं है, बहुत ज़्यादा मतों से विजय लक्ष्मी जी चुनाव जीतेगी। देखा जा रहा है कि विपक्ष भी भगवा को उड़ लिया है और भगवा के नाम पे वोट मांगा। ये लोकतंत्र है, लड़ने का सबका अधिकार है, कपड़ा सबका सबको पहनने का अधिकार है, कोई वस्त्र धारण कर उसमें क्या फर्क पड़ता है। मगर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे भी वो लोग खुलेआम वोट मांग रहे हैं। बता तो रहे हैं कि लोकतंत्र है, अगर वो लोग झूठ ही बोलते हैं तो कौन जाए मना करने। लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि विजय लक्ष्मी जी बहुत भारी मतों से चुनाव जीतेंगी, दृढ़ संकल्पित सारे लोग आए हुए हैं वहाँ पे। महागठबंधन के जितने भी नेता हैं कह रहे हैं कि एनडीए संविधान विरोधी है। एनडीए संविधान विरोधी नहीं है, एनडीए संविधान में कभी कभी संशोधन किया है जनता के हक में, जनता के लिए। तो पहले भी कांग्रेस के भी सरकार में संविधान में संशोधन हुआ था, आज भी संशोधन हुआ है जनता के पक्ष में। चलिए, क्या कुछ अपील कीजिएगा जनता से? अपील कर रहे हैं जनता से कि सारे लोग, सारे मतदाता मालिक विजय लक्ष्मी जी को तीर पर बटन दबावे और भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। क्या कुछ कहिएगा, कैसा जनसभा चल रहा है आप लोग का? हम लोग आज दो दिन से दरौली विधानसभा में, दो दिन से लगातार चल रहा है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 10 बजे तक चलेगा। ये आप काफिला गिन सकते हैं, इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का। अच्छा, प्रत्याशी जी नहीं दिखाई दे रही हैं आज?
प्रत्याशी। देखिए कहने का मतलब आपको पता है कि 70 किलोमीटर इधर और 70 किलोमीटर इधर, 140 किलोमीटर हो जाता है, तो एक प्रत्याशी 20 दिन में कैसे घूमेगा। तो उनका पति अलग घूम रहे हैं और वो पत्नी अलग घूम रही है, अलग अलग टीम है, अलग अलग टीम अपनी काम कर रही है सभी। अच्छा, के साथ एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के नामांकन में बड़े बड़े नेता पटना से आए हुए थे और आज तेजस्वी यादव जी सिवान में आए हुए रघुनाथपुर में। देखिए कहाँ पड़ेगा, देखिए हम आपको एकदम निश्चित तौर पर बता देना चाहते हैं कि अगले बार जैसे राजद का यहाँ से खाता नहीं खुला था, इस बार भी बिहार में उनका खाता नहीं खुलने वाला है। तेजस्वी आए या कोई आए, उनके पास नेता है क्या? तेजस्वी आया, राबड़ी आया, लालू आया, बस यही तो नेता है उनका। घर के जो लोग ही है वही नेता है। हमारे पार्टी में एक से एक बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, तो नेता तो आएंगे ही। अभी तो कुछ नेता नहीं आए, आने दिए समय। अभी मोदी जी आने वाले हैं, योगी जी आने वाला है। कि आप लोग मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं? देखिए हम विकास पर वोट मांग रहे हैं। हमने 10 साल जो काम किया है उस काम के आधार पर हम लोग अपना मजदूरी मांग रहे हैं जनता के बीच। हम लोग किसी से छलावा थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग सच्चाई काम कर रहे हैं।